सिर्फ उन्होंने मिस्टर मान या सीएम साहब कह के गल करूंगी, मेरे मुंहों पापा सुन का हक को काफी देर तो खो चुके ने। नहीं है, मैनू पत्रकार कहिंदे जी तुसीं टाइम किन्ना घट दिंदे हो अपने परिवार नू। मैं कहा नहीं जी, मैं बहुत टाइम दिंदा। मैं दोस्तों एक विवाद पिछले दो तीन दिनों तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच है, जो कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की धी दे एक लाइव तो है, जिस तों बाद यह विवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच है, ते जिसने पूरे पंजाब की राजनीति अते समाज नू हिला के रख दिता। हर कोई अपने अपने विचारां दे नाल इस मामले ते अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो दस दिए कि उत्थे ही जिथे भगवंत सिंह मान की जो पुत्री है, पुत्री है सीरत कौर मान का लाइव है, उस तो बाद कितना कितने लोगों का यह भी कहना है कि इस बारे उन्हां दी पहली पत्नी इंद्रजीत कौर मान का आखिर की प्रतिक्रम है सारे मामले ते। तां दस दिए कि असी जदों भगवंत सिंह मान का विआह होया सी तां उस मौके भी एक खबर सुनाई सी तुहानू, जदों कि उन्हां दी पहली पत्नी इंद्रजीत कौर मान भगवंत सिंह मान दे नवें ब्याह ते उन्हां दी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर बारे बोले सन। अते तुहानू ओह वीडियो सुनाउने आ कि उस समय डॉक्टर गुरप्रीत कौर अते भगवंत सिंह मान दे विवाह बारे भगवंत सिंह मान दी पहली पत्नी इंद्रजीत कौर मान दा की कहना सी, अते नाल ही एक होर जो कि सोशल मीडिया ते काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच रहिंदी है, नैन्सी कौर गरेवाल, उन्हां दे भी कुछ तुहानूं बोल सुनाउने आ इस मामले ते, जिन्हां वल्लों कि अपने बोलां दे विच सीरत कौर मान नूं खरियां खरियां सुनाईयां गईयां हन, उन्हां दी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच है। सो बैक टू बैक दोवें वीडियोज़ तुहाडे सामने रखदे आ, इस लई वीडियो अखीर तक जरूर देखणा ते तुहानूं इस मामले ते कौन सही कौन गलत लगदा है। जेकर तुहानूं लगदा है कि भगवंत सिंह मान इस मामले ते सही हन तां कमेंटां दे विच इक लिखणा, ते जेकर तुहानूं लगदा है कि इह जो विवाद चल रिहा इस दे विच भगवंत सिंह मान दा पहला परिवार उन्हां दी धर्म पत्नी इंद्रजीत कौर मान अते उन्हां दी धी सीरत कौर मान जो कि इस विवाद दे विच सामने आए हन उह सही हन, तां कमेंटां दे विच दो लिखणा ताकि पता लग सके कि पंजाब दी आवाम इस मामले ते की सोचदी है। सो आओ तुहानूं लै चलदे आं उस मौके की वीडियो वाल, जदों भगवंत सिंह मान का दूजा विआह होया सी तां उस मौके उन्हां दी पहली पत्नी इंद्रजीत कौर मान ने की कहा सी। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो लिमिटेड ज्ञान। अज पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान दूजी बार विआह दे बंधन दे विच वज गए, जिथे कि उन्हां दा विआह डॉक्टर गुरप्रीत कौर दे नाल होया, जो कि चंडीगढ़ दे विच सैक्टर 8 दे गुरद्वारा साहिब दे विच पहला रस्मां होणियां सन, पर बाद दे विच सीएम हाउस दे विच पूरे रीति रिवाजां दे नाल विआह संपूर्ण होया। ते दस दिए कि भगवंत सिंह मान की पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर का इस विआह दे बारे रिएक्शन आया, की कहना इंद्रप्रीत कौर का नवी दुल्हन डॉक्टर गुरप्रीत कौर बारे अते भगवंत सिंह मान के विआह बारे, तुहानू वीडियो दे विच अग्गे दसदे आ। उस तो पहला दस दिए कि अज पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 48 साल की उम्र दे विच अपने तो 16 साल छोटी 32 साल की डॉक्टर गुरप्रीत कौर दे नाल पूरे रीति रिवाजों के नाल विआह बंधन दे विच वजे, जिथे कि मौके ते कुछ गिने चुनमे नज़दीकी ही इस विआह दे विच शामिल होए, उत्थे ही राजनीति पिंड दे विचों जो राघव चड्डा जो राजसभा मैंबर हन अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल, जिन्हां ने कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे पिता दे वल्लों सारियां रस्मां नूं पूरा कीता। अते दस्सिया जा रिहा कि भगवंत सिंह मान दी माता अते उन्हां दी भैण दा इस विआह दे विच काफ़ी ज़्यादा योगदान है, जिन्हां वल्लों काफ़ी ज़्यादा प्रैशर सी भगवंत सिंह मान ते कि उह विआह बंधन दे विच बज के अपनी गृहस्थी अपना परिवार संभालना। ते दस दिए कि डॉक्टर गुरप्रीत कौर दे नाल भगवंत सिंह मान 2019 दे विच लिंक दे विच आए, अक्सर सीएम हाउस दे विच भी डॉक्टर गुरप्रीत कौर उन्हां दी माता ते उन्हां दी भैण नूं देखिया जांदा रिहा, अते जदों मुख्यमंत्री ने सहुं चुकी सी तकरीबन 3 महीने पहलां उदों भी डॉक्टर गुरप्रीत कौर अते उन्हां दा परिवार जो कि हरियाणा दे पहेवे नाल संबंध रखदा पर इस वेले मोहाली दे विच रह रहा है, अते जो कुड़ी है जो डॉक्टर गुरप्रीत कौर है उन्हां बारे दस्या जा रहा है कि वह पंजाब दे राजपुरा दे विच रहिंदे हन। ते 2019 दे विच आपस दे विच इन्हां दा मिलाप होया ते उदों तों ही लिंक दे विच हन। ते दस्या जा रहा कि इस विआह दे विच भगवंत मान दी माता अते उन्हां दी भैण वल्लों पहल की गई है, रिश्ता करवाया गया। तो उत्थे ये भी खबर सामने आई है कि जो
भगवंत सिंह मान हैं उन्होंने जिवें कि सारे जानते हैं 2015 दे विच अपनी पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर दे नाल उस समय तलाक हो गया सी। जदों 2014 दीआं लोकसभा चोणां दे विच हालांकि उन्हां दी पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर ने काफ़ी ज़्यादा साथ भी दिता सी अते 2015 दे विच भगवंत सिंह मान अते इंद्रप्रीत कौर दा तलाक हो जाता है, जिथे कि भगवंत सिंह मान ने उस वेले एक पोस्ट भी पाई सी कि उन्होंने पंजाब अते अपने परिवार दे विचों एक नूं चुण लिया है। दस दिए कि अपने इंटरव्यूज़ दे विच भगवंत सिंह मान हमेशा अपनी पत्नी इंद्रप्रीत कौर दी तारीफा करते रहे हैं अते उन्हां दा कहना है कि एक औरत एक पत्नी अते एक माँ का उन्हां वल्लों बखूबी रोल अदा किया गया अते इह वी दस्सिया जा रहा है कि भगवंत सिंह मान ने अपनी कुल जायदाद उस समय ही अपनी पत्नी अते अपने बच्चों के नाम कर दिती सी। ते दोस्तों हुण भगवंत सिंह मान दूजे ब्याह के बंधन दे विच बज गए हैं तो इस मौके एक निजी चैनल दे नाल गलबात करते हो उन्होंने पहले पत्नी इंद्रप्रीत कौर ने कहा है कि वह इस ब्याह तो खुश हैं, वह जोड़ी काफ़ी ज़्यादा सोहनी लग रही है अते वह इस जोड़ी नूं दुआवां दिंदे हन अते अगे इन फ्यूचर इस जोड़ी की सलामती अते इस जोड़ी दे लई वह परमात्मा अगे अरदास करते हैं। दस दिए कि भगवंत सिंह मान के पहले ब्याह तो एक धी जिन्हों का नाम सीरत कौर है अते एक पुत्र दिलशान हैं जो कि कुछ समय पहला पंजाब आए सन जो कि अमेरिका दे विच रहिंदे सन अते तकरीबन 3 महीने पहला जदों भगवंत सिंह मान की नवी सरकार होण दे विच आउंदी है भगवंत सिंह मान ने जदों मुख्यमंत्री दे तौर ते अहुदा संभालिया सी तां सहुं चुक समागम दे विच उन्हां दे धी सीरत कौर अते पुत्र दिलशान विशेष तौर पर अमेरिका तो पहुँचे सन। उस वेले भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा इस गल ते जोर सी कि भगवंत सिंह मान नूं अपना परिवार वसा लेना चाहिए, उन्होंने अपने परिवार वल भी ध्यान देना चाहिए। तो अज भगवंत सिंह मान ब्याह दे बंधन दे विच बच चुके हैं, तुसी इस बारे की कहना चाहोगे जरूर कमेंट करके दसना। तो दोस्तों उत्थे ही एक निजी चैनल दे नाल गलबात करते हुए जदों इंद्रप्रीत कौर नूं इह गल पुछी गई कि उन्होंने इस गल ते बुरा नहीं लग्या कि भगवंत सिंह मान ने दूजा विआह करवाया तो एक मौके इंद्रप्रीत कौर गुस्से दे विच भी आ गए तो उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने कानून मुताबक ही दूजा विआह करवाया। दोस्तों हुण दे अपडेट विच फिलहाल इन्ना ही, मिलदे हां जल्द होर ताज़ा अपडेट दे नाल। उन्ने समय तक लई तुसीं बने रहना अनलिमिटेड ज्ञान दे नाल ते नवे दोस्त हर एक ताज़ा अपडेट सब तो पहलां देखदे रहण दे लई बने रहना अनलिमिटेड ज्ञान दे नाल ते नोटिफिकेशन बैल ऑल ते जरूर सिलेक्ट कर लैनी। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी दी फतेह। अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हां जी, अज मैं पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उन्हां दी बेटी दी इंटरव्यू सुनी, एक काफी वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया ते और काफी दुख प्रकट कीते उस धी ने अपने प्यो दे खिलाफ, उन्हों की शिकायतां रही जिंदगी च अपने प्यो दे खिलाफ। चलो सब तो पहली गल तो यह है भी जदों एक हसबेंड ते वाइफ दा डिवोर्स हुंदा है ना ते उन्हां दे अगर बच्चे है उन्हां दा जिहड़ा सब तो बुरा प्रभाव आ उन्हां बंदा झेलदा ना जनानी वह बच्चे झेलदे आ, बहुत बहुत गंदा झेलदे आ, नो डाउट, क्योंकि बच्चों नूं जिन्नी लोड़ मां दी उन्नी प्यो दी भी हुंदी आ। मां प्यो दी जगह नहीं लै सकदी, प्यो मां दी जगह नहीं लै सकदा, तो उन्हां नूं तो दोनों ही चाहिदे आ। चलो बड़े कारण रहे होणगे इस दोनों तरां दे डिवोर्स दे, मेरी आदत मैं कदी एक पक्खे की गल नहीं सुनदी क्योंकि हमेशा जदों इदां दे कोई डिवोर्स हुंदे आ दोनों पार्टी की गल सुनो। चलो मानदे आ कि भगवंत मान च बहुत कमियां रहियां होणगियां, नो डाउट, जिंदगी विच सोगन संपन्न तक कोई आया नहीं। और पहली गल क्लीयर करता कि मैं भगवंत मान की साइड नहीं ले रही, ना वो मेरे ताई चाचे का मुंडा है, ते टॉपिक सुखबीर बादल का भी करना, ना सुखबीर बादल मेरे ताई चाचे का मुंडा है, जो ये राजनीति स्टंट्स है मैं उस टॉपिक से गल करूंगी। सब तो वड्डी गलती इस बच्चे की इस पुत्र जी की यह है कि तुसी सोशल मीडिया से ताडा को अपना फैमिली मैटर है तो अपने प्यो ना बह के गल करो, तुहानू सोशल मीडिया से दाना नहीं चाहिए सी। दूजी गल जितों तक मैनू पता भी शायद बच्चे कनेडा च बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, बाहर ही जमे पले आ, तो इधर के बच्चों की सोच तो गोरे वर्गी होंदी है। सो चौथी गल मैं कहना चाहूंगी भी मैं इस पुत्र जी नूं पुछना चाहूंगी डिवोर्स का मतलब की हुंदा है, कोर्ट च जाओ किसी वकील को जाओ जो डिवोर्स करा दा उन्हूं पुछ के आओ कि डिवोर्स का मतलब की हुंदा है,
एंड डिवोर्स तो बाद की हुंदा। सो डिवोर्स का मतलब हुंदा है जदों असी हसबैंड वाइफ एक दूजे नूं डिवोर्स दे दिंदे आ, असी अड हो जांदे आ, उस तो बाद तुहाडे दोनों की एक अपनी अपनी जिंदगी स्टार्ट हो जाती है, जिस तो बाद असी दोनों एक दूजे की जिंदगी च कोई दखलअंदाजी नहीं करोंगे, कमेंटबाजी नहीं करोंगे और तुसी दोनों अपने नवे नवे हम सफर साथी लभ के अपना अपना घर वसा सकते हो। पर ओहदे विच अगर बच्चे है ता ओ अगर प्यो चाहता है कि मैं हर वीकेंड ते अपने बच्चों नूं मिला, बिल्कुल मिल सकता है। पर साडियां जिहड़ियां 95% मावां हुंदियां ना साडे पंजाबी कल्चर दियां, ओह बच्चे नूं कतित्ता बहुत सिखांदियां, बहुत कतित्ता, तेरे प्यो ने आए करता चंगा, तू कोर्ट च कह दी मिलना नहीं, तू कह दी आई नहीं करना, तू कह दी ओ नहीं करना, नो डाउट। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇਗੀ, ਅਫਕੋਰਸ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੀਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ 15 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚ ਮੂਵ ਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਿਓ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚ ਮੂਵ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਚ ਆਣ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ DNA ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਕਣ ਦਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਪਰ ਸੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰ, ਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਈਫਸ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਦੇਖੋ ਬੀਬਾ, ਬੇਟਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਚ ਕੰਟਰੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਈਲਡ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $700 ਦਾ ਇਜ਼ਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੋਮ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਸ ਸਾਲ ਦੀ $50,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਡਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੁਛ ਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਓਨਲੀ ਜਸਟ ਕਮੇਡੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਚਲੋ, ਖੈਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਲਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਤਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ CM ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਦੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂ, ਉਹ ਕਰ ਦੂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 23 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਭੇਜ ਦਈਏ ਨਾ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਆਪ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਪੇ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਕੀ ਇਤਨੀ TRP ਹੋਗੀ ਨਾ ਆਪਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ ਹੋਗਾ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਧਾਸੂ ਗੰਦ ਡਾਲ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪੇ ਜੋ ਆਪ ਲੋਕ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ,
सुखबीर ने ये किया, सुखबीर बोल रहा भगवंत ने ये किया। अरे आप दो बिल्लों की लड़ाई में कोई तीसरा बिल्ला फायदा उठा जाएगा, ये बात याद रखना। अगर आप एक दूसरे के करेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हो, जी भगवंत मान फलाने फार्म हाउस पे लड़कियों के साथ पकड़ा गया, उसकी पहली बीवी ने वहां देखा, भाई तो सुखबीर बादल कौन सा कम है। आप जितने राजनीति पॉलिटिक्स में हो सबको पता है कि आपके 11 औरतों के साथ कितने संबंध होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर बोलते हैं भगवंत मान दारू पी के जी गुरुद्वारे बढ़ जाता, तो गुरुद्वारे वाले देखे जोड़े कहते सौदा ला देंगे, तब उनके सौदे लगने बंद हो जाते हैं। तो सुखबीर बादल कौन सा कम है, वो भी तो वो पता नहीं फीम डोडे क्या खा के उसकी पगड़ी गिरी होती है, कितनी बार वीडियो वायरल हुई है, हुई है ना वीडियो वायरल, उसकी पग डिगी होंगी, अखा चढ़िया होंगी, दोनों ही नशेड़ी हुई ना, तो एक दूजे क्यों कह रहे हो, कहना मैं नहीं हूं, मैं नहीं है। सो सुखबीर बादल को चाहिए भी जो भगवंत मान का टाइम है, वो सीएम है पंजाब का, तो यार वो कर दो ना जो कर रहा, ठीक है 5-6 साल जो हो गए नहीं कुछ कर पाया, नेक्स्ट टाइम लोग वोटा नहीं देंगे तो उन्होंने करन तो दो। तो तुम तो बाद इन्ने चे राज किया लुट के खा गए तुम तो पंजाब में, ते इन्ने इन्ने वे फार्म हाउस ते को कितों आए हैं, किलिया के हिसाब न जमीना फ्रूटा के बाग इनिया बसा इन्नी तन दौलत कितों आई ते को, खानदानी तो अमीर है नहीं सी कोई। सो इसलिए किसी होर दे जो तुम पीढ़े के थले सोटे मारते हो ना, पहले सोटा घुमा के अपने पिछवाड़े से मार के देखा करो भी तुम आप की चीज हो। और बाकी गल मैं भगवंत की बेटी नूं रिप्लाई करना चाहूंगी कि जो तुहाडे डैड ने तुहाडी मम्मी नूं डिवोर्स दे के वह बंदा अपनी लाइफ च मूव ऑन हो गया, वह ब्याह करे, तीजी बार प्यो बन रहा, चौथी बार भी बन जाएगा, पंजवीं बार भी बन जाएगा, तुहानूं पुछ के कहूगा भी मैं अपनी वाइफ प्रेगनेंट करा कि ना करा। तो अगर वह बंदा अपने बच्चों का कोई रिलेशन नहीं रखना चाह रहा तो बच्चों नूं चाहिए अपने पिछे हो जाए, अपनी लाइफ च मूव ऑन हो जाए, ठीक है। प्यो नूं हुंदा चल प्यो कितने कितने अपने डिवोर्सी वाइफ दे बच्चे नाल गल करदा है, हलो हलो करदा, उन्हां आपां नूं वी पता इन्हां च की सीन है। फिर वो कहंदी है कि मेरा भरा इहदे सीएम वाले बंगले च मिलन गया, डैड ने रात नूं उत्थों कढ़ता, तू जा हुण, सानूं की पता उहने क्यों कढ़िया, कोई लड़ाई झगड़ा होया जां उहने कुछ गलत अल्फाज बोले भगवंत दी सैकंड वाइफ नूं, कुछ तां होणा, इदां किहड़ा यार बेगैरत प्यो कह दूगा जा निकल जांदी रात नूं। सो मेरी जिंदगी च इको फंडा भी गल हमेशा दोनों तरह की सुनिया करो, एक तरह सुन के ना जो साबिया हुला हो जाते शुरू, इदा ना कराया करो सियाने बड़ो, नहीं तो पुठी सीधी सरकार आनगियां राज करनगियां तो तुसी गुलामी की जिंदगी जियोगे, ये सच है, क्योंकि हुला हुला ये कर दो बंद। जय हिंद।